नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सुबह सुबह अपना हिंदी का टेस्ट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन देखते हैं जो कि संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार सभी लोग आ जाइए, फिर इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। हिंदी विषय का ये टेस्ट रहेगा, सुपर 30 क्वेश्चन है। एक बार जितने लोग आ चुके हैं लाइक और शेयर कर दीजिए, और मुझे बताइए कि आवाज़ और वीडियो एकदम क्लियर है क्या। फिर इस टेस्ट की दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। वेरी गुड। तो दोस्तों, 171 से लेकर 200 तक कुल 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 171 किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निंदे, स्तुते, पतिव्रता, कुलटा, पारितोष, संतोष, नत, उन्नत। चलिए, 171 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विलोम उचित नहीं है, कौन सा क्रम में? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। परितोष का संतोष नहीं होता दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 171 में सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सामिस का विलोम क्या होगा? मांसाहार, निरामिष, मिश या शाक? 172 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। क्या पूछा गया है? सामिस का विलोम क्या होगा? मांसाहार, निरामिष, मिश या शाक? जल्दी से बताइए। 172 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। सामिस का निरामिष हो जाएगा दोस्तों। विलोम शब्द बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 172 में। अगला देखना है 173। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनावृष्टि, वृष्टि, महावृष्टि या अकाल? अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों 173 नंबर में। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 173 का? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? पार्थ, गांडीवधारी, माधव, धनंजय। एक सौ चौहत्तर नंबर आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए, 174 का राइट आंसर माधव रहेगा। ठीक है, माधव नहीं है अर्जुन का पर्यायवाची। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 174 में। 175 पे आ जाइए दोस्तों। निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? छवि, तनया, दुहिता, नंदिनी। 175 नंबर दोस्तों, कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना आप लोगों को। चलिए, 175 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन दोस्तों ने 175 में ए ऑप्शन बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, छवि। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? किंकर, केहरी, केसरी, मृगेंद्र। बताइए दोस्तों, 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 176 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। करेक्ट आंसर किंकर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए। किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? फल और कृपा, कृपा और पूजा की सामग्री, कृपा और महल, महल और महानता। चलिए, 177 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। वन सेवेंटी सेवन का प्रसाद का मतलब कृपा,
प्रासाद का मतलब महल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 177 में जिन्होंने सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है? व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं 178 का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, 178 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पुरानी बातों को दोहराना, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट 179 देखिए, किस क्रम में सभी शुद्ध शब्द हैं? अरण्य, आलाहद, अंकट, उज्जैनी, उच्छिष्ट, उहापोहे, इजहार, इप्सित, ऐतिहासिक, अहोरात्रि, अक्षौहिणी, अन्विष्ट। 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। सभी शुद्ध शब्द कौन से क्रम में है, कौन से विकल्प में है, ये ढूंढना आपको। चलिए 179 का राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, उज्जैनी, उच्छिष्ट और उहापोहे, ये सारे के सारे शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उद्गार में कौन सी संधि है? विसर्ग, अयादि, व्यंजन या गुण। उद्गार में कौन सी संधि है दोस्तों, ये बताना है। विसर्ग, अयादि, व्यंजन या गुण, चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं, फास्टली कमेंट करना दोस्तों। 7 सुबह प्रातः, ये डेली क्लास लगती है दोस्तों। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, उद्गार में व्यंजन संधि है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 181 नंबर, नायक में कौन से संधि है दोस्तों? अयादि, यण, गुण या विसर्ग। 181 नंबर आ चुका है दोस्तों, नायक में कौन सी संधि है ये बताना आपको दोस्तों, नायक में कौन सी संधि है। चलिए फास्टली कमेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया, नायक में मेरे प्यारे साथियों अयादि संधि का उदाहरण है नायक, ए ऑप्शन राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ए बताया है राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वज्रदेह में कौन सा समास है? द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष या द्विगु। वज्रदेह में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद, क्रमधारय, तत्पुरुष या द्विगु, कौन सा है राइट आंसर बताइए जल्दी से। 182 का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों, 182 का। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, काफी लोगों ने बता दिया है वज्रदेह क्रमधारय समास रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर, नीलकंठ, कनफटा, मंद बुद्धि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से, चार में से, ये बताना आपको। 183 नंबर का राइट आंसर। लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने लोग आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना है। 183 का राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस या कार, जल्दी से बताइए दोस्तों। 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। चलिए फास्टली कमेंट करेंगे दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें दोस्तों, तिरस उपसर्ग है तिरस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 184 का। 185 देखिए, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? समर्थ, संतोष, संस्कृत, सज्जन। बताइए दोस्तों, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? 185, जल्दी से कमेंट करेंगे। 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का राइट आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत प्लस जन, इसमें सत उपसर्ग है, सम नहीं है। डी ऑप्शन बताने वाले 185 में बिल्कुल करेक्ट बताया है दोस्तों। अगला देखिए, निर्निमेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, नि, निह, निस।
186 का राइट आंसर कौन पहले बताता है और सही कौन बताता है ये देखना है। चलिए फास्टली कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर आपको करते रहना है मेरे प्यारे साथियों। डेली आपके लिए क्लासें लगाई जा रही है। बिल्कुल 186 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, निर उपसर्ग है दोस्तों, निर। ठीक है, निर्निमेश में क्या है, निर उपसर्ग। अगला देखिए, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, निलंबन नी, निराकरण निर, दुर्योधन दू, अपहरण अफ, किस में सही प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना आपको। 187 नंबर का राइट आंसर बताएं दोस्तों। चलिए 187 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दुर्योधन में दू उपसर्ग नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, शाक्य लावण्य आदि के पूजनीय, किसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है 88 में। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, लाइक शेयर करते रहना है आपको। बताइए 188 का राइट आंसर, वेरी गुड, ये प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों पूजनीय में नहीं हुआ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बताना है आपको, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 188 का। ठीक है 189 में आ जाइए, किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, बुलावा ममेरा गुणवान लखेरा। दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय किस क्रमांक में है दोस्तों। चलिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण दोस्तों बुलावा रहेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 189 में, जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखना दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, अजात शत्रु अधिनायक अजान बाहु या अंतज्ञ। 190 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजान बाहु सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 190 का। अगला देखिए दोस्तों, 191 नंबर, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। 191 का राइट आंसर, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों सेशन को। पारा उतारना का दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध कम होना, काफ़ी लोगों ने राइट आंसर बताया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 191 का, बी जिन्होंने भी बताया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला 192, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, संसद सदस्य इकलौता मिष्ठान या विश्वामित्र। अशुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों, अशुद्ध शब्द। वन नाइन्टी टू में, चलिए 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 192 में, जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, स्वस्तिक संदीपनी स्वादिष्ट षष्ठा, आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 193 का राइट आंसर, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 193 में, जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका कद मुझसे बड़ा है, नगर में सर्वत्र शांति थी, रोको मत जाने दो, उसे बहुत प्यास लगी है। अशुद्ध वाक्य छांटना है दोस्तों, कौन सा है अशुद्ध वाक्य आपको। चलिए अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, उसका कद मुझसे बड़ा है,
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 194 का ए जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 195। युद्ध के प्रस्थान काल पर बजने वाला बाजा क्या कहलाता है, परायण वाद्य, तत्वाद्य, अवनद वाद्य या सुशिर वाद्य। युद्ध के लिए जब जाते हैं उस काल में बजने वाला वाद्य या बाजा क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना आपको 195 के अंतर्गत। जल्दी से कमेंट करेंगे 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। चलिए 195 का राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, प्रायण वाद्य कहलाता है दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 195। नेक्स्ट देखिए, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना, नीचा दिखाना, बहुत उन्नति करना या कुछ गड़बड़ होना। दांत खट्टे करना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों। लाइक शेयर करना है दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना है। दांत खट्टे करने का मतलब हो जाएगा नीचा दिखाना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, बी जिन्होंने बताया है 196 में बिल्कुल करेक्ट है। 197 में आ जाइए, बाल भी बांका ना होना मुहावरे का अर्थ है, बाल भी बांका न होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, आश्चर्यचकित हो जाना, जरा भी हानि ना पहुँचाना, बहुत उन्नति न करना या अत्यधिक लाभ न होना, बताइए दोस्तों, बाल भी बांका न होना 197 का राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 197 का राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, जरा भी हानि ना पहुंचाना, बाल बांका न होना, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अव्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी या वचन संबंधी। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है दोस्तों, चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। 198 नंबर आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, जल्दी से फास्टली कमेंट करेंगे दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, अव्यय संबंधी अशुद्धि है, केवल और इसलिए दोनों में से एक आना चाहिए था, दो आ चुके हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। अगला देखना 199, घास काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, कुछ भी असर न होना, कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना और गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। 199 का राइट आंसर अब आपको बताना है, 199 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। चलिए वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, घास काटने का अर्थ हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, 199 में डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपके एडमिट कार्ड की बात करूं दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड मेरे प्यारे साथियों, या तो आज 22 तारीख को या 23 तारीख को या 24 तारीख को, इन तीन दिनों में आने वाले हैं, आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे दोस्तों न्यूज़ डालने वाला हूं, BSTC के संबंध में जो भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आपको देता हूं, इसलिए आपको बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जो भी न्यूज़ आए एडमिट कार्ड के संबंध में आपको मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है, तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना या जल्दी जल्दी बोलना। 200 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुरंत फल पा जाना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 200 का, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अभी
30 में से आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ये बताना है। 30 क्वेश्चनों में से आज कितने क्वेश्चन हुए। चलिए, एडमिट कार्ड की जैसे ही न्यूज़ आएगी दोस्तों, आज आने के चांस है एडमिट कार्ड, तो जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं न्यूज़ डालूँगा, आप उसको लाइक शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।